दोस्तों आज हम श्रीराम होंडा EM650 जनसेट के बारे में जानेंगे। जो EM650 है ये इसका मॉडल नंबर है और ये श्रीराम होंडा जनसेट है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आज इसका आउटर बाहर में क्या क्या है ये सब जान लेते हैं। इसमें यानी कि एक चेक हमें क्या करना चाहिए जब इंजन स्टार्ट करते हैं उससे पहले, और ये इसके क्या क्या इंडिकेशन देगा, तो क्या क्या इसमें कमी होगी या किस चीज़ का क्या इंडिकेशन देता है, ये कितनी आउटपुट देता है, इसमें कौन सा क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसका मफलर किस साइड होता है, इसका रिकॉइल स्टार्टर किस साइड होता है, और ये इसके पार्ट के नेम नाम जानेंगे आज, और इसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करेंगे हम। तो आओ अब इसके बारे में हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो ये इसकी होती है, ये इसका हमारा होता है ऑयल कैप होता है, ये यानी कि यहाँ हमारा एम ऑयल डालते हैं हम, तो ये ऑयल कैप होता है। उसके बाद यहाँ ये फ्यूल टैंक होता है, ये फ्यूल टैंक होता है या पेट्रोल या दादाजी, ये फ्यूल कैप इसको हम बोल सकते हैं, यानी फ्यूल फिल्टर कैप या फ्यूल टैंक कैप बोल सकते हैं। ये फ्यूल टैंक होता है, इस टैंक के अंदर ये फ्यूल फिल्टर होता है। हम आपको दिखा दें, ये फ्यूल फिल्टर होता है, फिल्टर हो जाता है। अब जो ये इंडिकेशन है ये दिखाएगा यानी कि हमारे जो फ्यूल है वो फुल है या हाफ है या फिर उसमें बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ जो ये रेड दिखाई दे रहा है, रेड है तो इसमें फिलहाल फ्यूल नहीं डाला हुआ है। यदि फुल होगा फ्यूल तो यहाँ ग्रीन दिखाई देगा आपको, तो आप समझ आना फ्यूल इसमें प्रॉपर है। जो इसके बाद ये इसके स्विच होता है, जो ये बड़े वाला है इधर जो राइट साइड में है, ये दोस्तों इंजन स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए, इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद जो इसी के बगल में जो है ये हमारा चोक होता है, चोक लीवर बोलते हैं इसको, या चोक स्विच भी बोल सकते हो आप। इसके बाद में जो नीचे जो दिखाई दे रहा है, ऑयल अलर्ट यूनिट होता है दोस्तों। ये ऑयल अलर्ट होता है, ऑयल अलर्ट यूनिट का इंडिकेशन, यदि हम जनरेटर में हमारे एम ऑयल नहीं है, उसके बाद जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं, रिकॉइल स्टार्टर जो हमारी है, रिकॉइल रोप होता है, रिकॉइल, ये रिकॉइल स्टार्टर है कम्प्लीट, और ये रिकॉइल रोप है, और ये हैंडल है। इसको हम जो हैंडल को हम जो खींचेंगे तो यहाँ रेड इंडिकेशन देगा, जनरेटर ऑन करने के बाद जनसेट रेड इंडिकेशन देगा, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि एम ऑयल कम है, इसलिए ये रेड इंडिकेशन दे रहा है, तो इसमें एम ऑयल फुल कर लें। उसके बाद जो ये इंडिकेशन हमारे लेफ्ट साइड में जो इंडिकेशन है, ये एसी और ये डीसी के लिए, तो इसको हम पुश कर देंगे। यदि एसी डीसी हमें नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो इसको पुश करने पर कई बार क्या होता है, ये सर्किट ब्रेकर है, तो ये सर्किट ब्रेकर यानी सर्किट कई बार कंप्लीट नहीं होता है, तो इसको हम पुश करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और उसके ऊपर जो ये लैंप है, ये इंजन लैंप बोलते हैं इसको, ये क्या है कि जब इंजन स्टार्ट होगा तो ग्लो करेगा। और ये इसके आउटर पार्ट हैं, ये इस साइड है जो ये राइट साइड का जो कवर हो गया, इस साइड जो लेफ्ट कवर हो गया ये। अब इसके राइट साइड देखते हैं क्या क्या है इसके। दोस्तों राइट साइड में जो है ये राइट साइड कवर है, इसके बाद रिकॉइल स्टार्टर लगा हुआ है, रिकॉइल स्टार्टर असेंबली पूरी है यहाँ पर, ये रिकॉइल रोप है, ये हैंडल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो कार्बोरेटर है वो लगा, यहाँ फ्यूल फिल्टर लगाते हैं, यहाँ फिल्टर लगा होता है स्पंज टाइप का, ये फ्यूल फिल्टर, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लॉक है इसमें जो लगा हुआ है, इस साइड यही है। अब इसका लेफ्ट साइड हम देखते हैं, लेफ्ट साइड में इसमें एसी सॉकेट है, डीसी सॉकेट है इसकी, यानी डीसी है जो वो 12 वोल्ट है, 8.3 एम्पीयर होती है, बैटरी चार्जिंग ओनली, बैटरी चार्जिंग के लिए इसको डीसी को यूज़ किया जाता है। एसी में हम 450 वोल्ट ले सकते हैं। EM650 इंजन है इसकी, हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है, इसका रेटेड आउटपुट जो है 450 वी है, और मैक्सिमम आउटपुट 550 वी है। इसी प्रकार डीसी का जानते हैं, वोल्टेज है 12 वोल्ट है और करंट इसमें 8.3 एम्पीयर है। फ्यूल ये पेट्रोल इंजन है, इसलिए फ्यूल इसका पेट्रोल है। अब ये इसका जो मैन है, ये हैंडल है इस साइड। अब इसके पीछे की साइड जो देखते हैं, ये एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ है, ये हमारा मफलर है, जो बाइक वगैरह में जो साइलेंसर होता है इसमें, इसको मफलर बोलते हैं हम। इस पार्ट में ये अंदर जो मफलर लगा हुआ था, यहाँ पर स्पार्क प्लग कैप लगा हुआ है रबर का। इसके नीचे जो हम खोल के देखेंगे तो इसके नीचे दोस्तों ये स्पार्क प्लग है। तो कई बार इंजन स्टार्ट नहीं होता, तो हम स्पार्क प्लग को खोल के चेक करते हैं और फिर साफ सफाई करके लगाते हैं, तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसकी आज ये इतनी ही जानकारी हम लेते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके
खोल के इसके पूरी जानकारी देंगे, इसके कार्बोरेटर को साफ सफाई करना, कार्बोरेटर को रिपेयर करना, इंजन को रिपेयर करना, इसका हेड को रिपेयर, हेड में जो कमी है उसको रिपेयर करना, उसके बाद मफलर को रिपेयर करना कंप्लीट, यानी कि श्रीराम होंडा जो जनसेट है इसका कंप्लीट रिपेयरिंग हम आपको आगे बनाने वाले जो आगे वीडियो आने वाले हैं उनमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो और कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।